इसमें टेंशन लेने की कौन बात है संदीप साहब? संदीप साहब, जब हमने एक बार कह दिया कि हमारे लड़के की शादी आप ही के लड़की से होगी तो होगी। हमारी समस्या बिहार नहीं है, हमारी समस्या बिहार सरकार है। ऐसी बात कर रहे हैं सर, बिहार में बहार है सर, नीतीश कुमार है। आप तो कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, मगर आप एक बात बताइए समधी साहब, बिना दारू शादी कैसे होगा? सर बिहार में तो लोग कह रहे हैं बंद भइल दारू खुश भइल मेहरारू। कौन जाएगा बराती बिहार? बिहार बारात जाने के नाम से लोग डर रहे हैं। शादी होगी तो लौंडे नाचेंगे तो नागिन डांस करेंगे, नागिन डांस के लिए दारू चाहिए। हम तो रोज ही सुन रहे हैं कि बिहार में जो दारू पीते पकड़ा जा रहे हैं, पुलिस वाले बहुत मारते हैं, पैसे भी लेते हैं। अब आप ही बताइए समधी साहब, बारात लेके बिहार आएंगे हम तो बारात में 20-25 लौंडे भी होंगे और बिना दारू पिए मानेंगे नहीं। और हमें पता चला है कि दारू पी के जो पकड़ा जा रहे हैं उनसे पुलिस 50,000 रुपए लेके छोड़ती है। तो अब आप ही बताइए कि 20-25 लौंडे पकड़ा गए तो 10 लाख तो हमें देने होंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा समधी साहब। दिक्कत है समधी साहब, बात को समझिए। सबसे बड़ा दिक्कत है लड़के का मामू, साला रोज खम्बा पीता है, कह रहा था कि बिहार बारात जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। सर आइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैनेज करेंगे सर। कैसे मैनेज कीजिएगा? एक तो 500 रुपए की दारू 1500 में मिलेगी और उस पर से अगर पकड़े गए तो जेल भी हो सकती है। अब राजा दशरथ जी भी तो उत्तर प्रदेश से राजा रामचंद्र का बराती लाए थे ना बिहार सर। अब राजा रामचंद्र की बात मत करिए आप, हमें पता है कि राजा रामचंद्र भी बिहार गए थे शादी करने के लिए। लेकिन जब राजा रामचंद्र बिहार गए थे तो बिहार के राजा राजा जनक थे, आज बिहार के राजा नीतीश कुमार हैं। और अभी तो हमारे भी कोई उपाय नहीं है, अब नेता जी तो है नहीं यूपी में सरकार में कि अपने समधी साहब लालू जी को फोन कर दें। अब लालू जी भी सरकार में नहीं है बिहार में कि हमें छुड़वा देंगे अगर पकड़े गए दारू पीते हुए। आइए सर, गया में कोई दिक्कत नहीं है सर, गया बहुत अच्छी जगह है सर। देखिए समधी साहब, अब हमारे यहाँ बनारस से तो कौनो तैयार ही नहीं है कि हम गया बराती जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीने पहले एक लौंडा गया था गया, अब वहाँ दारू पीते पकड़ा गया, अब लौटा नहीं तो यहाँ लोग हंस के कह रहे हैं कि गया गया सो गया ही रह गया। बिहार में दारू की तो तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अब हमारे भी कुछ दोस्त हैं बिहार के जो बाहर रहते हैं, तो पंजाब में रहता है हमारा एक दोस्त बिहारी, तो ऐसे तो साल भर कभी कोई दवाई नहीं खाता है, लेकिन जब भी बिहार आता है तो होम्योपैथी की 2-4 शीशी साथ में रखे रहता है। हमने पूछा काहे शीशी रखते हो होम्योपैथी की, तो कहता है कि इसमें 2-3 पैक बना लेता हूँ ताकि कोई पूछे तो कह दे कि होम्योपैथी की दवा है। एक दारू पीने की समस्या नहीं है ना समधी साहब, आप शादी में आएंगे तो आप तो अच्छा खाना खिलाएंगे ही, तो अच्छा खाएंगे रात में तो सुबह में हगेंगे भी। अब सुबह सुबह उतने टॉयलेट तो होंगे नहीं, तो बहुत सारे बाराती हो सकता है मैदान चले जाएं टॉयलेट करने। अब आपकी सरकार तो मैदान में हगने वालों को भी पकड़ रही है। अब आप बताइए, बाराती जाएं हगने जाएं और पुलिस पकड़ ले, उनके पजामे ले ले, लुंगी ले ले, उनका अंडर पैंट लाठी से लेके भाग जाए, उठा बैठी कराए, तो आपको अच्छा लगेगा? Shaking.